नमस्कार, मैं मंजू मिश्रा। मंजू रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए ही रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे हम शुरू में बताना भूल गए थे, इसे आप जरूर डालिएगा। ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना शानदार लग रहा है। छोला बनाने के लिए हमने छोला को लेकर के और इसे हम 5-6 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे, और भिगोने के बाद कुकर में छोला को डाल करके और इसमें लगभग 1 गिलास पानी, जिससे कि छोला पूरी तरह से डूब जाए, और इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक, तेज़पत्ता 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी वाली इलायची, कुछ लौंग 3-4 लौंग और थोड़ा 2-3 काली मिर्च इसमें डाल करके 4-5 सीटी आने तक इसे हम अच्छी तरह से बॉईल कर लिए हैं। ये बॉईल किया हुआ काबली चना है, देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। छोला बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का टमाटर को लेकर के उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिए हैं। एक बड़ा सा प्याज को लेकर के उसे हम बहुत ही बारीक काट लिए हैं। 2 बड़ा चम्मच दही है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा को लेकर के इस तरह से लंबा लंबा पीस में काट लिए हैं। 1 हरी मिर्च उसे भी बारीक काट लिए हैं। 5-6 लहसुन की कलियाँ उसे भी हम बहुत बारीक काट लिए हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच छोला मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर और कुछ पनीर को लिए हैं। ये लगभग 150 ग्राम है, इसे ट्रायंगल शेप में काट लिए हैं। पनीर को छोला में डालने से छोला का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इधर पैन में 1 छोटा चम्मच घी को डाल दिए हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, और घी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं और घी को चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेते हैं। को ऑन फैलाने के बाद इसमें अब हम पनीर का जो टुकड़ा है उसे हम डाल देते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पनीर को फ्राई कर लेंगे। आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद नहीं है तो आप बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज को फॉलो भी कीजिए। पनीर हल्का फ्राई हो गया है, अब इसे हम एक साइड में कर देते हैं और गैस के ऊपर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो बारीक लहसुन काटे हैं सबसे पहले लहसुन को डाल देते हैं, और लहसुन को हल्का सा पहले भून लेते हैं। लहसुन को हल्का भूनने के बाद अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। और इसे पहले हल्का सा फिर भून लेते हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी लाद डाल सकते हैं। हल्का भूनने के बाद में अब इसमें जो प्याज का पेस्ट है उसे डाल देते हैं, जो बहुत बारीक काटे हैं उसे डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को मीडियम करके प्याज को अच्छी तरह से भूनना है, जिससे कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बेसन है, बेसन को डाल देते हैं। इसे हम शुरू में बताना भूल गए थे, इसे आप ज़रूर डालिएगा, इससे ग्रेवी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसे हल्का भून लेते हैं। भूनने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाला को डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोला मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, और इन सभी चीज़ों को
गैस का फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम टमाटर को डाल देते हैं, साथ में स्वाद अनुसार नमक, नमक छोला को बॉईल करते समय भी डाले थे। और थोड़ा सा पानी को डाल करके, जिससे कि मसाला जले नहीं, टमाटर को मसाला के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है, किनारे किनारे तेल भी निकलने लगा है, इसका मतलब कि मसाला और टमाटर अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम दही है, दही को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम को अभी हम लो ही रखे हैं और दही को भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना शानदार लग रहा है, दही भी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ काबुली चना को डाल देते हैं, पानी सहित ही डाल रहे हैं, क्योंकि पानी पहले काबुली चना को अच्छी तरह से धो लिए थे, उसके बाद ही बॉईल किए थे। और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम फ्राई किया हुआ जो पनीर है उसे हम डाल देते हैं। और इसे भी मिला लेते हैं। मिलाने के बाद गैस का फ्लेम को लो करके इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। लगभग 5 मिनट हो गया, छोला बनकर तैयार है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।